चलो भाई, तो हम लोग हैं रेडी और हम जा रहे हैं। ध्यान रखना आप भी। यस इंशाल्लाह, जल्दी से। कितने 6-7 दिन का टोटल? 8 दिन का पूरा ट्रिप है और फिर उसके बाद मुंबई वापस अपने घर। चलो अल्लाह हाफिज़। रात को 3 बजे ये भी मुझे छोड़ने आए। चल बचा, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़। हाँ चलो, ध्यान रखना। चल अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखना। हाँ हाँ, बाकी मैं भेजता रहूँगा शूटिंग से फोटो। चलो हाँ, अरे नहीं, चलो अल्लाह हाफिज़। 6 बजे के। हाँ मैं फोन, चंडीगढ़ डायरेक्ट। चलो बाय, रिहान सो रहा है। चलो अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मैडम यहाँ पे खड़ी हुई है। अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखो। हाँ ये देखो, अरे भाई ये रात को मतलब सब मतलब क्या सी ऑफ क्रिया से खड़े थे। मैं सालों के लिए जा रहा हूँ। हम तो घर ही नहीं गए थे, बाहर ही थे। हाँ, हम लोग घर नहीं गए, इसलिए भाई को मैसेज कर दिए। चलो निकल, तो अभी नहीं। बाय 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 बाय, टेक केयर। बाय 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 बाय। तो यस, इस बार हम फ्लाइट से जा रहे हैं। चलिए तो डन, सिक्योरिटी चेक। हाँ हाँ, जाओ दूर दूर। आज लेट आया ये और दूर भाग रहा है ऐसे। तो अभी हम चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। पीछे है राहुल, राहुल हाय कर दे। और यहाँ पे मैं ना दीपिका को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे होती डेफिनेटली बहुत शॉपिंग करती है। वो एयरपोर्ट से आके उसको एयरपोर्ट में आके उसको बहुत मतलब अच्छा फील होता है एयरपोर्ट में शॉपिंग करने में। हालांकि उसको हमेशा हर जगह शॉपिंग करने में अच्छा फील होता है, बट यस मिस कर रहा हूँ उसे। और ये देखिए, मतलब इतने दिनों बाद मैं फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे फ़्लाइट में जाने की बारी आई, बारिश देखिए क्या ज़बरदस्त थी। मतलब मेरे साथ ही सारे खेल होने हैं। बैठ गए हम फ्लाइट में और उसके बाद हमें दिया गया मेन्यू कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। और उसके बाद टेक ऑफ के बाद जो नज़ारा होता है ना, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ज़बरदस्त नज़ारा होता है। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ एज़ यूजुअल मैं अपने बाल सेट करती हूँ। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट आया, देन उसके बाद मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी। हो गए हैं हम लोग चंडीगढ़ लैंड और आ गए हैं बाहर। ये देखो दीपिका को मिस कर रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा। आई थिंक बहुत वक्त के बाद, 3 साल के बाद ऐसा हुआ है कि मैं अकेले ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहा हूँ मैं। और बस, पर कोई नहीं, काम है। तो अभी हम जाएंगे होटल, वहाँ पे सामान रखेंगे, फ्रेश होंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम निकलेंगे शूट लोकेशन पे। और ये हैं हमारे साथ मनी, हाय कर दो मनी। ये हमें होटल से सेट लेके जाएंगे। हाँ जी, तो पहुंच गया हूँ मैं होटल और सब सेट हो गया है, फ्रेशन अप हो लिया है। बस अभी निकलना है शूट के लिए। शूट के लिए निकलना है तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बातें कर लूँ। बस आ गया हूँ चंडीगढ़।
और इस बात जैसे कि आप सबको पता है दीपिका साथ में नहीं है, फ्लाइट से भी मैंने ट्रैवल कर लिया, ऐसी बात नहीं है, फ्लाइट से मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ, करता था बट हाँ अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि कल मेरा द क्यू का शूट था, फैन का फैंस मीट एंड ग्रीट था उनकी तरफ से, उन्होंने पूरा वो ऑर्गेनाइज किया था, वो विनर्स जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने सिलेक्ट किए थे, ऑर्गेनाइज किया था पूरा, तो वो ज़रूरी था मुझे करना। एंड देन उसके बाद आज मैं चंडीगढ़ में शूट के लिए आया हूँ। अभी क्या शूट कर रहा हूँ क्या नहीं शूट कर रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो जब सही वक्त होगा मैं बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ मेरी नहीं है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ होगी सबसे पहले मैं ही आपको बताऊँगा, लेकिन इन चीज़ों में हम थोड़ा सा बाउंड रहते हैं, जब तक हमें आगे से परमिशन चीज़ें नहीं मिलती हम नहीं बता पाते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं शूट के लिए आया हूँ, शूट कर रहा हूँ अभी, और अभी मतलब हाँ आज से स्टार्ट है मेरा और अभी यहाँ से निकलूंगा सेट पे। और बस थोड़ा सा दीपिका को इस बार बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, आई थिंक 3 साल, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 3 साल के बाद मैं ऐसे अकेला निकला हूँ, और वो भी बिल्कुल रोने जैसी शक्ल हो गई थी उसकी जब मैं वहाँ से आ रहा था, अम्मी भी उदास थी, अकेला आया ना, पापा से तो मैं मिलके ही नहीं आया था क्योंकि पापा, क्योंकि 3 बज गए थे रात में, पापा सो रहे थे, तो मैं उनसे बोल के नहीं आया था, मैंने रात में बोल दिया था कि पापा आप सो जाना मैं चला जाऊँगा। तो बस ये है, यहाँ पर अभी मैं 4-5 दिन हूँ और बस जैसा भी आगे होगा मैं आपको बताता रहूँगा, और मिलते हैं जल्दी, मतलब व्लॉग नहीं एंड कर रहा हूँ, चलते हैं, अब देखते हैं वहाँ पे मैं आपको कितना दिखा पाता हूँ कितना नहीं दिखा पाता हूँ वो थोड़ा सा। चलिए वो आ गए हैं शूटिंग साइट पे, अभी हम अपना मेकअप करेंगे, राहुल है, अब राहुल हमारा मेकअप किया करेगा क्योंकि केतन जो है वो बिजी है अभी, तो राहुल मेरा मेकअप करता था जीत गई में, जीत गई तो पिया मोरे में मेकअप करता था, बहुत सही करता है वो, और अभी हम रेडी होते हैं। तो ये है हमारी वैनिटी, रेडी भी हो रहे हैं, धर्म मस्ती भी कर रहा है और ये सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। फाइनली जो मेरा और दीपिका का सॉन्ग है उसका पोस्टर जो है वो अभी आ चुका है, रिलीज हो चुका है, मैंने इंस्टा पे पोस्ट कर दिया है, स्टोरी पे भी पोस्ट किया है, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया है, तो आप उसको देखिए, कुछ हटके है इस बार, डेफिनेटली कुछ हटके है क्योंकि बारिश का सॉन्ग है, आपने देखा होगा टाइटल, बरसात का मौसम आया है, पोस्टर भी देखा होगा, बारिश में हम सब भीगे हुए हैं और हमारा पहला है, इससे पहले बारिश में कभी हमने सॉन्ग नहीं किए, सीन्स किए हैं बट सॉन्ग नहीं किए साथ में, तो यस 4 जुलाई गाना जो है वो रिलीज होगा वॉइल आई डी जी पे, एक्साइटेड। आप भी क्या हाल है धर्म? अरे मतलब जो यहाँ पे गर्मी में इस बार हालत खराब हो रही है, मतलब पूछो मत, ज्यादा लग रहा है मुझे तो, बहुत ज्यादा लग रहा है बेचारा, तुषार तो ऐसा है कि ये देखो वो तो ऐसा है, बर्फ से सेक रहा है, देखो पूरा टैन हो गया हूँ मैं, अजीब सा पूरा फेस हो गया है, मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहा हूँ अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ नहीं, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ लेकिन आपको पता है कि मैं शूट करने आया हूँ तो उसमें जैसे वक्त नहीं मिलता, पूरा दिन में सब मतलब बहुत ज़्यादा ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सच में, ऊपर से दीपिका भी नहीं है। हाय, हो गया शूट ख़त्म, आ गया हूँ वापस होटल, एंड जेन्युइनली सॉरी मैं नहीं ज़्यादा कुछ शूट कर पा रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, शायद आप लोग बोलते हो हमेशा कि नहीं आप ऐसे बोलते हो, आप रेगुलर अपडेट नहीं रहते हो, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैं कुछ शूट कर रहा हूँ और क्या शूट कर रहा हूँ बहुत जल्द आप सबको बताऊँगा, मैं आप सबको पता चलेगा, मैं आप सबको बताऊँगा, तो थोड़ा सा अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइड अप हूँ, इसलिए ये व्लॉग भी मैंने दो दिन से मैं चला रहा हूँ जैसे तैसे करके वो बन रहा है, क्योंकि बीच में नहीं दिखा सकते आप शूट का और एथिकली वो दिखाना सही भी नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको वो हूँ, और प्लस होटल आके मैं सीधे सो जाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता, इतना थक जाता हूँ, आज का दिन तो इतना हेक्टिक था ना, आई थिंक अब तक के मेरे शूट करियर का सबसे ज़्यादा हेक्टिक दिन आज का होगा ये मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से चंडीगढ़ की गर्मी, अरे अरे अरे, लास्ट टाइम जब हम आए थे 10-15 दिन पहले तो उस टाइम गर्म लू चलती थी, अभी इस बार ह्यूमिड इतना है कि आप पता नहीं, बस जैसे तैसे आज का दिन भी निकल गया है, तो प्लीज़ सॉरी। देखो जब मैं बनाता हूँ रेगुलर ब्लॉग्स तो बहुत बनाता हूँ, कभी कभी मजबूरी भटक जाता हूँ, और मैंने आपको बताया कि यस कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैं शूट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबको पता चलेगा, तो बस नाराज़ मत होइएगा, बुरा मत मानिएगा, और बस दीपिका भी नहीं यार, मिस तो कर ही रहा हूँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, अम्मी को सबा सब पापा दिन भर, तो
कोई नहीं, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ कुछ करके निकाल के मैं आपको एक जर्नी के साथ ले चलूँ उसमें, और आप सबसे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कनेक्ट रहूँ, तो मैं कनेक्ट रहूँगा इंशाल्लाह। बस यस, कुछ मेरी होती हैं चीज़ें जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, तो वो इंशाल्लाह वक्त आने पर बताऊँगा। अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, फ़िलहाल मैं इसको डाल दूँ कि मैं फ़्लाइट से आने से है, दो दिन हो गए ऑलरेडी आने से, तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पहले उसको प्यार की रिस्पेक्ट में केयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अच्छी शूटिंग है, बहुत मज़ा आएगा।